नमस्कार दोस्तों, बहुत से ऐसे लोग मैंने देखे हैं अपने जीवन में। मेरा अनुभव बताता है कि कुछ लोग पूरे जीवन पर्यंत काम करते रहते हैं, घानी के बैल की तरह से रीछते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, मगर फिर भी वो अपने जीवन में तीन काम नहीं कर पाते हैं। वो तीन काम कौन से हैं जो मैं बताना चाहता हूं कि यदि आपने 25 से 50 साल की उम्र तक में ये तीन काम कर लिए तो आप बहुत अच्छे लोगों की गिनती में आ जाएंगे, आपका जीवन सफल हो जाएगा और जिंदगी में जो सुख आपको भोगने चाहिए या जिन सुखों के लिए जिंदगी जी जाती है वो सारे सुख आपको धीरे धीरे इन तीन जरूरत की चीजों को पूरा करने के बाद में मिल जाते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा 25 से 30 साल की उम्र तक आपको तीन काम जरूर कर लेने चाहिए। अब आप कहेंगे, दादाजी ऐसे कौन से तीन काम हैं जो हमें 25 से 30 साल की उम्र में कर लेना चाहिए। दोस्तों, आपने अच्छी पढ़ाई की है, बहुत अच्छी पढ़ाई की है, गवर्नमेंट सर्विस आपकी लगी है या नहीं लगी है, फिर भी आप 25 से 50,000 रुपए महीना आराम से एक वेल एजुकेटेड बच्चा आराम से कमा लेता है। ऐसी स्थिति में मैं कहूंगा आपको छोटी उम्र में ही, जब आपके पास धीरे धीरे थोड़ी सी जितना आप सैलरी कमाते हैं उसका 70% आप घर वालों को दीजिए, यानी आपके घर के एसेंशियल एक्सपेंसेस होते हैं उनमें लगाइए, घर की जरूरतों को पूरा कीजिए, अपने माँ बाप के सपनों को साकार कीजिए, अपने पूरे सपने साकार कीजिए, मगर 30% बचत आपको अपनी सैलरी पैकेज में से करनी चाहिए। अब बात आती है कि वो 30% सैलरी जो आप बचाएंगे उसका क्या करेंगे। हाँ, यही फंडा मैं आपको समझाना चाहता हूं। यदि ये फंडा मेरे पहले समझ में आ जाता तो मैं भी बहुत कुछ कर सकता था, मगर चूंकि आदमी बहुत लालची होता है, वो घर परिवार के हर सदस्य को ऊंचा उठाना चाहता है, ऐसी स्थिति में वो स्वयं अपने लिए बहुत सी बातें भूल जाता है, मगर इन बातों का पता तब चलता है जब आप में बीत जाती है, या यूं कह सकते हैं आपकी उम्र बीत जाती है रीझते रीझते, मेहनत करते करते, और जब देखते हैं आप अपनी जिंदगी का कंक्लूजन निकालते हैं तब आपके समझ में आती है। तो मैं कहूंगा आप अपने उस 30% की बचत से तीन काम जरूर कर लीजिए। वो तीन काम कब करेंगे, 25 से 50 साल की उम्र आते आते, मान लीजिए आप 25 साल की टाइम में आप कमाने लगे हैं तो 50 साल आने से पहले पहले ये तीन काम आपको कर लेना चाहिए। और बहुत से काम होते हैं जिंदगी में, वो भी आपने किए होंगे, निश्चित रूप से आपने शादी भी की है, बच्चे भी पैदा किए हैं और बच्चों को अच्छी शिक्षा भी दी है, मगर उसके बावजूद मैं कहूंगा कि आप एक छोटा सा ही सही, ध्यान से सुनिएगा, एक छोटा सा ही सही अपना एक छोटा सा बिजनेस जरूर कर लीजिएगा। नहीं तो आपको रह रहकर रात को जब 2:30 बजे आप जगते हैं तो आपके दिमाग में आएगा कि कैसे, जैसे मैंने तो नौकरी करके अपना जीवन गुजार दिया, मगर आने वाली मेरी पीढ़ी का क्या होगा यदि कोई बिजनेस नहीं हुआ तो। इसलिए आप एक छोटा सा ही सही एक पार्ट टाइम शुरू करके देख लीजिए, फुल टाइम शुरू करके देख लीजिए, या कैसे भी एक छोटा सा बिजनेस स्थापित कर दीजिए। अब बात आती है कौन सा बिजनेस करें, वो कौन सा बिजनेस है जो आपके सपनों का बिजनेस है वो आप कर सकते हैं। इस बिजनेस के लिए आपको क्या अनुभव है, उस अनुभव के अनुसार बिजनेस कर सकते हैं, आपकी शैक्षिक योग्यता क्या है, शिक्षा क्या है उसके हिसाब से कर सकते हैं, आपकी पॉकेट कितना अलाउ करती है उसके हिसाब से कर सकते हैं, आपके गली मोहल्ले में करना है या शहर के किसी पॉश एरिया में करना है, ये आपको देखने की बात है। मेरी चैनल पे आपको 1000 वीडियो मिल जाएंगे, इस समय मेरी समझ में 975 वीडियो के आसपास या 980 वीडियो के आसपास मैं अपलोड कर चुका हूँ पिछले दिनों में, तो इनमें से आपको जो भी वीडियो पसंद आता है, जो भी बिजनेस पसंद आता है वो बिजनेस आप कर लीजिए, आपके सपने साकार हो जाएंगे। जब आप मेरी उम्र में यानी 70-71 साल की उम्र में होंगे तब आपको ये संतोष होगा कि अब हमें कोई चिंता नहीं है, यदि मेरे बच्चे नौकरी नहीं भी कर पाए तो ये बिजनेस करके कमा करके खा लेंगे। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं, 25 से 50 साल की उम्र आते आते, देखिए 50 साल के बाद में, मैं 50 साल को बार बार नाम क्यों लेता हूं, 50 साल के बाद में आपको बहुत सी और जिम्मेदारियां आ जाती हैं, बच्चों की
अच्छी एजुकेशन करवानी है, बच्चों की वो शादियां करनी है, अपने माँ बाप बुजुर्ग हैं उनकी दवा या इलाज करवाने होते हैं, उनको धार्मिक यात्राएं करवानी होती हैं, सामाजिक समाज भी आपसे बहुत कुछ चाहता है, इसलिए मैं 50 साल की उम्र का नाम लेता हूं। तब आपको इन और कामों में, मैं जो अभी ऊपर इस वीडियो में बता रहा हूं, ये कामों में लगना पड़ता है, इसलिए 50 साल आते आते अपना एक छोटा सा घर जरूर बना लीजिए। आप जिस भी शहर में रह रहे हो, चाहे आप गांव में रह रहे हैं, शहर में रह रहे हैं, गली में रह रहे हैं, मोहल्ले में रह रहे हैं, उत्तर में रह रहे हैं, पश्चिम में रह रहे हैं, राजस्थान में रह रहे हैं, यूपी में रह रहे हैं, बिहार में रह रहे हैं, बंगाल में रह रहे हैं, आसाम में रह रहे हैं, कहीं भी रह रहे हैं, आप एक छोटी सी छत अपने ऊपर जरूर बनवा लीजिए। जिस आदमी ने मरते दम तक एक छोटी सी छत अपने लिए नहीं बनवाई है, उस आदमी को बहुत बड़ी टीस रह जाती है। इसलिए यदि आप भाग्यशाली बनना चाहते हैं, अच्छे पिता बनना चाहते हैं, तो एक छोटा सा ही कच्चा कमरा बनवा दीजिए, पक्के की कोई जरूरत नहीं है, बच्चे बनवा लेंगे आपका। एक छोटा सा प्लॉट लेकर के आप दो कमरे, हो सके तो दो कमरे, एक किचन लेटवा, इतना तो जरूर बना दीजिए। और यदि इनको भी आप पूरा फुल फ्लैश तैयार नहीं कर पाए, तो केवल एक नंबर ईंट लगा करके मिट्टी में चिनवा दीजिए। हाँ, मैं सही कह रहा हूं, मिट्टी में चिनवा दीजिए, बाहर सीमेंट की टीप भर दीजिए, कहीं नहीं जाएंगे, मैं गारंटी देता हूं, ठेकेदार आदमी हूं, मेरा अनुभव है, ये 50 साल भी कहीं नहीं जाएंगे। उनकी थोड़ी सी मेंटेनेंस बाहर से अंदर से करवा दीजिए, अंदर टाइलें वगैरह लगा दीजिए, ऐसा लगेगा जैसे बहुत शानदार बिल्डिंग आपने बनाई है, बशर्ते कि आपके पास कारीगर अच्छा होना चाहिए। एक छोटा सा घर आपको इतना सेटिस्फिकेशन देगा, आपको बच्चों को इतना सेटिस्फिकेशन देगा कि पूछिए मत आप। तो ये काम भी आपको 50 साल आते आते जरूर करवा लेना चाहिए। अब तीसरा काम मैं बता रहा था हूं, वो बात भी आपको बहुत दिल से पसंद आएगी, और यदि दिल से पसंद नहीं आए तो एक कमेंट जरूर करना कि दादाजी आपने जो तीसरा पॉइंट बताया था वो बातें हमारे समझ में नहीं आई, या हम इसको पहले बनवाना चाहते थे, पहले करना चाहते थे। मैं कहूंगा आप आधी रोटी रोज कम खा लीजिए। ध्यान से सुनिए, जो नवयुवक हैं उनके लिए ये बात विशेष महत्व की है, जो 25 से 30 साल के नवयुवक हैं, जिनके बच्चे पैदा हो गए हैं, उनके लिए ये बहुत ही रामबाण दवा है। यदि इसकी एक टेबलेट आपने खा ली तो जीवन आपका सुखी हो जाएगा। मैं कहूंगा आप आधी रोटी कम खा लीजिए। आप 100 रुपए मीटर का कपड़ा नहीं ला करके मेरी तरह से 50 रुपए मीटर का कपड़ा ला करके कपड़े सिलवा लीजिए, मगर अपने बच्चों को जरूर पढ़ा लीजिए। अनपढ़ रहना पाप छे, खुद हो या हो पूत, हमारे राजस्थान में कहावत है, अनपढ़ रहना बहुत बड़ा पाप है। जिस आदमी ने अपने बच्चों को नहीं पढ़ाया, उस आदमी के एक टीस रहती है मन में, वही जानता है, वो क्या जाने पीर पराई, जिसके पैर ने फाटे प्याई ब्याई, जो वही जानता है मेरी पढ़ाई अधूरी रही हुई है दोस्तों। इसलिए मुझे ऐसा महसूस होता है कि दुनिया के हर बच्चे को मैं अच्छी पढ़ाई दिलाऊं, मेरी कोशिश यही रहती है। मैं बार बार मेरी गली मोहल्ले के निकलने वाले बच्चों को कहता हूं, बेटे अच्छी शिक्षा लेना, शिक्षा बिना कुछ नहीं है, विद्या ददाति विनयम, विद्या विनय से आती है, और विनय तभी मिलता है जब आप कुछ करने लायक होते हैं, कुछ योग्य होते हैं। न चोर हार्यम न भातृभाज्यम न च भारकारी वे कृते वर्धते नित्यम विद्या धनम सर्व धनम प्रदानम। चोर चोरी नहीं कर सकता आपकी विद्या को, न भातृभाज्यम भाई बंटवारा नहीं कर सकते, जब भाई अलग अलग होते हैं आपके पास जो विद्या है उसका बंटवारा नहीं हो सकता। न चोर हार्यम न भातृभाज्यम न च भारकारी, कोई वजन नहीं लगता है, आपने MA पास कर लिया, LLB कर ली, एडवोकेट बन गए, कुछ भी बन गए, उस विद्या का आपको वजन नहीं लगता कि आप दब जाएंगे। न चोर हार्यम न भातृभाज्यम न च भारकारी वे कृते वर्धते नित्यम, जितना खर्च करोगे विद्या में यही खासियत है, वो बढ़ती जाती है, धन आप खर्च करेंगे घटता जाएगा, मगर विद्या जो आप खर्च करेंगे, मैंने ये 6ठी क्लास में दोहा पढ़ा था, मेरे गुरुजी थे वो डंडे मारते थे जब तक ये श्लोक याद नहीं होगा, एक श्लोक तीन श्लोक बताते थे, उनमें से एक याद होना जरूरी है, और एक में से भी 30% होना जरूरी था, 3 दिन में आपको एक श्लोक हर हाल में याद करना पड़ता था।
तो विद्या एक ऐसा धन है जो कभी भी आपसे कोई चुरा नहीं सकता, बंटवारा नहीं कर सकता, उसका कोई वजन नहीं लगता, और विद्या से बढ़िया कोई धन नहीं है। इसलिए अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दिलवाइए। जब तक आपके बच्चे, चाहे वो 40 की उम्र के हो जाएं, ध्यान से सुनिए मेरी बात, यदि आपका बच्चा पढ़ रहा है और वो 40 की एजुकेशन तक भी एजुकेशन गोट करता है, पीएचडी या और कुछ जो भी, मुझे, क्योंकि मेरी एजुकेशन इतनी बहुत ज्यादा नहीं है, हाँ काम चलाऊ होता है, मुझे सेटिस्फेक्शन है कि मैं जितना पढ़ा लिखा हूं उतने से ज्यादा गुणा बहुत ज्यादा हूं। और जब तक मेरे पिताजी कहते थे, जब मेरी शिक्षा अधूरी छुटवाई उन्होंने, उन्होंने कहा था, बेटा केवल पढ़ने से कुछ नहीं होता है, उसको गुणना पड़ता है, यानी गुणा में करना पड़ता है। आपने 10 क्लास पढ़े हैं, वो 10 को 10 से गुणा कर दिया, 100 गुनी हो गई आपकी विद्या। उसको गुणा करना पड़ता है, इंटू करना पड़ता है, और वो इंटू तभी होता है जब आपके पास एजुकेशन होता है। एजुकेशन को आप अपने नॉलेज में कन्वर्ट करते हैं तो वो 10 गुनी हो सकती है। वीडियो पसंद आता है, लाइक शेयर और कमेंट करें, और चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियोज उन नवयुवकों के लिए बहुत शानदार होंगे जो बेरोजगार हैं, जो रोजगार की तलाश कर रहे हैं, जिन्हें रोजगार की आवश्यकता है। नमस्कार।